गोवा कई तरह के इवेंट, स्थानीय खानपान, नाचने गाने और मस्ती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ युवा वर्ग अपने दोस्तों के साथ आते हैं और नाइट लाइफ का आनंद लेता है। खुलेआम शराब और पार्टी गोवा की पहचान है। हालांकि अगर आप गोवा में इस सब एक्टिविटी की तलाश में जा रहे हैं तो हाल ही में पर्यटकों के लिए आए आदेश के बारे में जान लें। अब गोवा घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नियम तय कर दिए गए हैं, जिसका पालन न करने पर 50,000 रुपये तक की रकम जुर्माने में चुकानी पड़ सकती है। गोवा जाने से पहले जान लें नियम। गोवा के पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अगर आप गोवा में पार्टी करने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी अहम है। पर्यटन विभाग ने खुले में भोजन पकाने और शराब पीने पर रोक लगा दी है। गोवा पर्यटन क्षमताओं को खराब होने से बचाने के लिए विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक गोवा के बाहरी स्थानों जैसे महाराष्ट्र के मालवन और कर्नाटक राज्य के करवर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए अनधिकृत टिकट बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। खुले स्थानों पर भोजन पकाने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही कचरा फैलाने, खुले में शराब का सेवन करने, बोतल फोड़ने आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकृत स्थानों को छोड़कर अगर पर्यटन गतिविधियों के लिए किसी अन्य जगह पर टिकट बिक्री हो रही है तो उस पर भी रोक रहेगी। जिन चीज़ों के कारण पर्यटकों को आने जाने में बाधा होती है उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विपरीत आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये भी किया जा सकता है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।